पर कहा जाता है जिदा चुणक्या ने भी कहा है कि मूर्ख की तारीफ नालों गुरु की झिड़क हज़ार गुणा ज़्यादा चंगी होंदी है। कहिंदे कोई मूर्ख तुहाडी तारीफ करी जावे ना तो उहदी तारीफ नालों एक ज्ञानी गुरु की मारी हुई झिड़क सौ गुणा ज़्यादा चंगी हज़ार गुणा ज़्यादा चंगी है, क्योंकि मूर्ख की तारीफ भी उदा की होनी है तो गुरु की झिड़क में भी तुहाडा सुधार होना है, तुहाडियां कमियां दूर होनियां है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जो बाप ने कहा कि बेटा यही तो भेदभाव खत्म करने हैं, इन ही तो लड़ना है और ये वास्ते शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस वेले ज्ञान नू शक्ति मनिया जाता से। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए तुसी एक लाइन पढ़ी होएगी बाबा साहेब दी कि तुम्हारे पाँव में चप्पल हो चाहे ना हो लेकिन तुम्हारे हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। वो कहिंदे पैरे च चप्पल होवे ना होवे नंगे पैरी चल रहे हो पर हाथ च किताब जरूर होनी चाहिए है, क्योंकि अज ज्ञान ही शक्ति है। जिहड़े अंदर ज्ञान पैदा होएगा उही हर तरह के भरम चो, हर तरह के विकार चो, हर तरह के भेदभाव चो उपर उठेगा। ये गल याद रखना हमेशा। इसलिए असं कहना चाहवांगे क्योंकि जो उन्होंने जीवन बारे देखी दा ना तो अच्छे जिन्हें भी जिन्होंने कहते ना नीच दलीत किया जाता से उस वेले उन्होंने हक की खातर उन्होंने वो लड़ाई की कि अज सारे उन्हें तस्वीर अगे फुल जरूर रखना चाहिए है कि अज तुहाडे करके सानू मान सन्मान नाल जीण दा मौका मिल रहा है। याद रखो सारे, और खास करके लड़कियां नू औरतां नू, क्योंकि अगर अज औरतां कॉलेजां स्कूलां च पढ़ रही है ना कोई भी जगह होगी औरत अज कम कर रही है खास करके भारत के अंदर, तो सारी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की वजह के नाल ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही औरत नू शिक्षा का हक दिलाया और ये जात पात के भेदभाव खत्म किए, क्योंकि उन्होंने कहा सी कि नेता वास्ते खादी पहनना जरूरी नहीं हुंदा, सही मायने च उन्हूं नेता बनन दा हक है जेडे अंदर ऊंच नीच दा जात पात दा कोई भेदभाव ना होवे। जरा सोचना सारिया ने कि उन्होंने आप किस मुश्किल का सामना किया, आप किस तकलीफ का सामना किया, जे लड़े तो कि खातर लड़े, जरा गौर करना उन्हें लड़ाई कि खातर सी। वो कहिंदे मेरी जिंदगी जिहड़ी है ना, जरा हुण गौर करना, वो कहिंदे ये मेरी जिंदगी अगर मैनू बारन का भी मौका मिले तो मैं उन्होंने हक की खातर लड़न दे वास्ते अपना जीवन भी कुर्बान कर दूँ जिन्हों ये लोग नीच कहते हैं, मैं उन्होंने नीच तो ऊंच बनाने वास्ते अपने खून का एक कतरा भी दे सकता हाँ, और दिता उन्होंने, और ता ही तो अज देखो ये भेदभाव मिटेगा नहीं। अज एक रेस्टोरेंट च बह के सारे खाना खाते हैं, अज एक जगह एक दुकान पर खड़ के सारे सौदा लेंदे है, ये उन्होंने ही वजह दे नाल। इसलिए असीं तुहानू कहांगे कि इदां दी शख्सियत जिहड़ी हुंदी है ना इह तों सीखना है, इह तों समझना है कि अगर उन्होंने जीवन इन्नी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने अपने साहस नूं, अपनी हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं इन्ना बुलंद रखिया और हर मुश्किल नूं पार करते हुए उस बुलंदी ते पहुंचे कि उन्होंने अज भारत रत्न कहा जाता है। तो जरा याद रखो अज सानू भी उन्होंने जीवन तो ये मोटिवेशन, ये शक्ति, ये शिक्षा लेनी चाहिए है कि जे उन्होंने हार नहीं मनी तो असी भी हार नहीं मननी, असी भी वो करके दिखाना है जो असी करना चाहते जे समाज का भला हो। समझदे हो कि नहीं? सोना ये जीवन दी घटनावां तो बहुत है, सोचा सी कि उन्होंने जीवन बारे पूरा विस्तार ना दसांगे, पर जो देखिया कि संगत की गिणती, फरियादा की गिणती, फिर टाइम काफ़ी हो गया तो फिर सोचा कि अज सिर्फ उन्होंने जिक्र करना, क्योंकि अज उन्होंने पवित्र जन्मदिन है, यानी अज जयंती है उन्होंने, इसलिए थोड़ा जि जिक्र करांगे। पर फिर कभी मालिक ने चाहे तो पूरा विस्तार के नाल जो अंदर जिदा समझ ले कि उवाल जहा है ना उन्होंने वो है वह फिकसन पूरा खोलेंगे असं, तो फिर बहुत कुछ समझ है उन्होंने जीवन च, बहुत कुछ जानने उन्होंने जीवन च। पर अज असी तुहानू ये गल कहांगे कि अज जे मालिक दे घर च आए हो ना तो असी अपनी सोच नू इन्नी पॉजिटिविटी नाल भरना, इन्ने साहस नाल भरना कि किसी मुश्किल किसी परेशानी तो असी डरना नहीं है, जिदा उन्होंने किसी मुश्किल किसी परेशानी तो डर के हार नहीं मनी। आओ अज उन्होंने इस पवित्र जन्मदिन से असी भी कसम खाइए कि असी भी अपने जीवन च आने वाली किसी मुश्किल किसी परेशानी तो ना डरना है तो ना ही हार मननी है, ये अपने आप ना वादा करो। समझ लो कि ये उन्होंने वास्ते एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होएगी कि जे असी अज अपने अंदर एक फैसला कर लवेंगे
कि जे उन्हां दे मूहरे इदां दे हालात आए, इन्नियां मुश्किलां आईयां जाति भेद नूं लै के या हर तरह के हालात नूं, क्योंकि जीवन च बीमारी भी आती है, जाति भेद भी है, गरीबी भी है, बहुत कुछ इदां दे हालात सी कि उन्हां बारे कई बार बयान करना ही ना अखां च पानी आ जांदा सुन के देख के कि भाई इदां दे हालात जी गुजरे हो, पर फिर भी हार नहीं मन्नी। तां सानूं तां सब कुछ है साढ़े कोल, बोलो है कि नहीं, रोटी भी है, कपड़ा भी है, पैसा भी है, मकान भी है, सब कुछ है, पर फिर भी माड़ी जी प्रॉब्लम आती असं दिल छड़ के बह जाते हैं, माड़ी जी प्रॉब्लम आती असं हिम्मत हार जाते हैं, माड़ी जी प्रॉब्लम आती है असं डर जाते हैं। नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि डरन वाले जीवन च कभी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी किन मिलती है? जेड़े डर जितते हैं, जेड़े साहस नाल विश्वास नाल काम लेंदे है, कामयाबी उन्होंने मिलती। इसलिए तो बाबा साहेब एक गल कहिंदे सी कि इंसान की सफलता का पहला कदम केड़ा है, वो कहिंदे शंका और डर को जीतना ही इंसान का सफलता की ओर पहला कदम है। समझ आ रही साड़ी गल? उन्होंने वचन की है कि डर और शंका नू जीतने वाला इंसान ही, डर और शंका को जीतना ही मनुष्य की कामयाबी का पहला कदम है। कि इंसान की कामयाबी का पहला कदम उही, यानी सफलता का मार्ग उदों ही शुरू हो जाता जो इंसान अपने डर और शंका नू जित लैंदा है। इसलिए अज तुसी भी जित के जाना है, मन च कोई शंका है? शंका पता किनू कहिंदे है? फिर कहांगे शंका हुंदी है, ओ फलाना कोई कुछ कर रहा है, फलाने ने मेरे जीवन च इदां करता, जादू करता, टूना करता, या आ काम मेरे तो नहीं होना, यह शंकावां ही हुंदियां है। बोलो समझ दिओ कि नहीं? की हुंदियां है? यह शंकावां ही हुंदियां है कि आ मुश्किल का हल नहीं होना, बल्कि हुण इहनू जितना है। जितना किदां है? कि मैनू यकीन है कि हर मुश्किल का हल हो सकता है, मैनू विश्वास है, असंभव कुछ भी नहीं है। बोलो समझ दिओ कि नहीं? हुण इहते पढ़ाई नू लैके भी जरा गौर करना, या किसी काम नू लैके बहुत इदां दीआं मिसालां है कि बंदा कहिंदा मैं इन्नी वारी कोशिश की पर नहीं होया। फिर असीं क्या? विश्वास रख, यकीन रख, कोशिश कर, तू मालिक कामयाबी जरूर देगा। तो जो दोबारा कोशिश की तो मालिक की रहमत नाल कामयाबी भी मिल गई, क्योंकि विश्वास सानू सीधा परमात्मा दे नाल जोड़ दिंदा है। बोलो समझ दिओ कि नहीं? इसलिए फिर कहांगे कि अज जे मौका मिलिया है ना, तो अज शंका नू इत्थे खत्म करके जाना है, अपने हर डर नू इत्थे छड़ के जाना है, क्योंकि असी देख रहे हैं। जरा हुण गौर करना, तुसी अज देख रहे हो कि इत्थे मैं की हाँ? कोई तुसी अपने आप नू अज देख रहे हो, चाहे कोई दुख है देख रहे हो, मैं बड़ा परेशानी चा, मैं बड़ा तकलीफ चा, मैं बड़ा मुश्किल चा, तुसी अज देख रहे हो अपने आप नू तकलीफ विच, मुश्किल विच, परेशानी विच। पर असी देख रहे हैं कि अगर अज तुसी अपने डर नू, अपनी चिंतावां नू छड़ के विश्वास यकीन लैके मालिक दे घर चो जाओ, तो तुहानू आ बुलंदी मिलेगी कि आने वाला कल तुहाडे वास्ते कामयाबी सफलता भरिया होएगा। समझ दिओ कि नहीं? क्योंकि गल हमेशा याद रखना, कहिंदे ना मुहम्मद अली बॉक्सर सी, जदों उहने शुरुआत की ना तो उहदे कोच ने देखिया कि इहदे अंदर बड़े गुण है, पर कदी कदी शुरू शुरू च डर जाता है, और शुरू शुरू हारिया भी मुहम्मद अली जदों शुरुआत की बॉक्सिंग की, तो उहदे कोच ने एको ही गल कही सी, बेटा मैं तैनूं वर्ल्ड चैंपियन देख रहा हाँ। वो कहिंदा मारे वर्ल्ड चैंपियन मैं? वो कहिंदे मैं देख रहा तेरे अंदर गुण है, पर अज तेरे अंदर एक डर है, एक शंका रहिंदी है तैनूं, मैं हार जाना आ, किते दूजा मैनू हरा ना देवे, किते दूजा कोई इदां दा मुक्का ना मार देवे, मेरे जख्म हो जावे, जानी मेरे कोई सट चोट लग जाए। कहिंदे कि डर एक चिंता रहिंदी है तैनूं, अगर तू डर और चिंता नूं छड्ड देवे तां मैं देख रहा तू वर्ल्ड चैंपियन बन सकदा है। तू अज नूं देख रहा है कि मैं हार रहा हाँ, पर मैं तेरे अंदरले गुणा नूं देख के कह रहा कि अगर ये दो चीज़ा तेरे अंदरों खत्म हो जाए तो तू वर्ल्ड चैंपियन हो सकता है। कहिंदे जो कोच ने समझाया तो उस वेले नाल कोच ने भी किया कि तू अपने आप नूं पता की कहना है, आई एम विनर, आई एम चैंपियन, कि मैं विजेता हाँ, मैं एक चैंपियन हाँ। कहिंदे ये गल कहनी शुरू कर, डर छड्ड, तो फिर उस तो बाद जो होया वो पूरा वर्ल्ड जानता है कि उही मुहम्मद अली वर्ल्ड चैंपियन रहा। वर्ल्ड चैंपियन किनू कहिंदे? जिहड़ा पूरे दुनिया च बॉक्सिंग का मुकाबला जित के टॉप ते हुंदा है, कि जिहदे वर्गा बॉक्सर कोई होया ही नहीं। असीं भी उही तां गल कह रहे हैं
कि तुहाडे अंदर वो गुण वो शक्ति वो ताकत सानू नजर आ रही है कि ठीक है तुसीं बॉक्सिंग नहीं करते पर तुसीं जिहड़ी फील्ड च हो ना जिहड़ी फील्ड च हो तुसीं कोई भी फील्ड हो सकती चाहे कोई दुकान की है चाहे कोई कारोबार की है कम की है कोई टीचर है कोई सरकारी नौकरी है कोई कुछ भी है और चाहे अपने आनंद नू लैके है शांति सुकून खुशी नू लैके है तुसीं सारे चैंपियन बन सकते हो पर अगर तुसीं अज ये डर और चिंता नू छड़ दो और विश्वास करो क्योंकि सानू पता है हुण तुसीं कहोगे कि असी तो बड़े कमजोर हैं लाचार हैं तुसीं कितना गल कह सकते हो कि तुसीं चैंपियन हो असीं एक गल कहांगे कि तुसीं बेशक अपने आप नू कमजोर मनी जाओ तुसीं बेशक अपने आप नू असहाय मनी जाओ बीमार मनी जाओ क्योंकि तुसीं अपने शरीर नू देख रहे हो पर असी किस विश्वास से कह रहे हैं क्योंकि असी वो ताकत नू देख रहे जिस ताकत ने तुहानू पैदा किया तो जो तुहाडे अंदर बैठी हुई है अगर उहनू तुसीं समझ लवो अगर उहनू तुसीं जान लवो तो फिर क्योंकि हर पिता अपने बच्चे नू चैंपियन ही बनाना चाहता है तुसीं चैंपियन हो और चैंपियन का मतलब फिर कहांगे कि नहीं गोल्ड मैडल जित लेना चैंपियन का मतलब है अपनी बुराइयां नू जित लेना अपने मन नू जित लेना अपने डर नू जित लेना अपनी शंकावां नू जित लेना इसलिए कह दियो अज तो बाद मैं किसी शंका किसी डर तो डरना नहीं है बिल्ली रास्ता कट जाए तो मैं नहीं डरना खब्बी सच्ची अख फड़ के तो मैं नहीं परवाह करनी कोई कहे तेरे ग्रह माड़े तो मैं परवाह नहीं करनी बल्कि हसना है वह भाई ये ग्रहों तू मानता होएगा तेरे वास्ते चंगे माड़े हो सकते साढ़े वास्ते सब कुछ चंगा है क्योंकि साड़ी साढ़े मालिक नाल ही आ रही है जिदा एक फकीर की गल याद आ गई एक बार ना एक फकीर जंगल च बैठे रब की बंदगी कर रहे हैं तो एक आदमी फकीर के दर्शन करने वास्ते जो उन्होंने घर गया तो पूछया कि मैं फकीर के दर्शन करने हैं कितने कहते जंगल च गए बकरियां लैके क्योंकि फकीर दकरियां से चले जाते जंगल में तो जो पुछता पुछता किधर गए है दसिया किधर जाते हैं जो गया तो जाके की देखता है बड़ा हैरान रह गया देख के कि फकीर तो अखा बंद करके बैठे हुए है तो जिहड़ियां बकरियां है ना वो चर रही है तो दो शेर खड़े है इधर भी बकरियां चर रही तो शेर देख रहे हैं जदों बकरी को इधर जाने की कोशिश करती शेर अगे हो जाता बकरी फिर उत्थे रह जाती है वह आदमी देख के डर भी गया हैरान भी होया कि कमाल की गल है शेर तो बकरियां खाते है और इतने शेर बकरियां की राखी करते हैं ये की माजरा है जदों वो सोच रहा डर भी रहा है तो फकीर ने अपनी अखां खोलियां और आवाज मारी आ जा इधर जदों आया आया कोल तां उस वेले फकीर कहिंदे की सोच रहा डर क्यों रहा है वो आ जा ये रब दे आशकां दा मुकाम है और जिथे रब दे आशिक होंदे उत्थे डर नू जगह नहीं हुंदी डर नू जगह नहीं हुंदी उत्थे जेले तुहानू भी कहांगे तुसी भी वो रब दे आशकां दे मुकाम ते आ गए हो जे इश्क नाल आयो मुहब्बत नाल आयो तो जिथे रब का प्यार होवे उत्थे डर नू जगह है ही नहीं इसलिए डर छड्ड के आओ विश्वास नाल आओ वो कहिंदा आके सवाल करता जदों फकीर ने कहा आ जा ओए रब दे आशकां दा मुकाम है इत्थे डर नू जगह है नहीं डरना आ जा वो कहिंदा महाराज मैं हैरान हाँ ये बकरियां दी शेरां नाल तां शेरां दी बकरियां नाल यारी कदों तो हो गई ये तो बकरियां तो शेर की खुराक है शेर तो बकरी नू देख के ही दबोच लैंदा है बकरियां शेर तो डरदियां है पर इत्थे ना शेर बकरियां नू कुछ कह रहे तो ना बकरियां शेरां तो डर रही है इन्हां दी यारी किदां हो गई तो फकीर ने बड़ा प्यारा जवाब दिता फकीर कहिंदे गल सुन जदों दी ये बकरियां दे मालिक ने ओ खुदा नाल यारी ला ली ना उदों दी ये शेरां ने मेरियां बकरियां नाल यारी ला ली तो बड़ी प्यारी गल करना कहिंदे जदों दी मैं अपने रब नाल यारी ला ली तो उदों तो ये शेरां ने मेरी बकरियां नाल यारी ला ली क्योंकि हर चीज़ तो मेरे रब दे कंट्रोल च फिश हुण इत्थे तुहानू की कहना चाहीदा है ओ भाई तू ग्रहां तो डर पर मैनू हुण ग्रहां दा कोई डर नहीं क्योंकि जदों तो मैं अपने मालिक नाल यारी ला ली ग्रहां नाल मेरे नाल यारी ला ली समझदे हो कि नहीं जदों बंदा कहे ना माड़ी चीज़ है वो इहना हुण मेरे नाल यारी ला ली क्योंकि मेरा माड़ा कर ही नहीं सकदी क्योंकि जदों मैं अपने मालिक नाल यारी ला ली तां उहदी बनाई हर चीज़ ही मेरी प्यारी हो गई समझ आ रही कि नहीं इसलिए हर चीज़ नूं पैदा करन वाला परमात्मा है सो फिर कहांगे डर और शंका के सारे धागे तोड़ दो भरोसा रखो अपने मालिक पर चिंता और डर के सारे धागे तोड़ दो तोड़ो इन्होंने धागियां ताकि तुसी वो आकाश दियां ऊंचाइयां तक पहुंच सको
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ? ਇਹ ਡਰ ਔਰ ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਾ ਜਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਾਹਸ ਕੋ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਬਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਸੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਨਿਮਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਸੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਮਿਟਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਔਰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਟਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਔਰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ
जो मैनू खुशी देवे, कामयाबी देवे, सफलता देवे, और वो है मेरे मालिक दी रहमत। बोलो समझ दियो अपने, इसलिए रहमत पे विश्वास करूंगा कि नहीं, क्योंकि उठना है, बढ़ना है, तो दी रहमत पे विश्वास करना ही पैना है। ये समझ लेना सारे जीवन, शायद अज वो जीव इत्थे आए है या नहीं, कि पिछे जो उन्होंने दसिया कि बच्चा उन्होंने पेट च सी, तो डॉक्टर ने कहा कि जिहड़ा बच्चा है ना ये डिवेलप नहीं होया पूरी तरह, अठवें महीने च दसदे स्कैनिंग कराई कि डिवेलप नहीं होया, इस करके जो बच्चे ने पैदा होना तो अधूरा ही होना है। तो फिर उन्होंने बेनती की मालिक हुण की करिए, यही क्या बनाने वाला तो मालिक है, और रहमत दी कि अपने पेट की हथ रख के फील करना, मालिक की रहमत ना मेरे बच्चे के सारे अंग संपूर्ण हो रहे हैं, मालिक की रहमत ना मेरे बच्चे के सारे अंग संपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला परमात्मा है। जो हथ रख के विश्वास ना उन्होंने भावना देनी शुरू की, तो दसते हैं कि नवंबर महीने जो बच्चे ने जन्म लिया पिछले साल, पर बच्चा पूरी तरह तंदुरुस्त सी, और हुण दसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हुण पंज महीने का बच्चा हो भी गया है। यानी जे डॉक्टरों के कहते विश्वास कर लेंदे तो फिर की होना सी। हुण कुछ गल्लां जिहड़ियां है ना, ये जो इंसान विश्वास करके देखता फिर ही पता लगता है कि वाकई यदा असर मेरे जीवन पर हो के रहा है, और ये कहानियां नहीं है कोई। फिर कहांगे कि तुहाडे जीवन दे विच कितने भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो तुहानू विश्वास करना चाहिए है कि मेरा मालिक मैनू स्वस्थ कर रहा है, मेरा मालिक मैनू ठीक कर रहा, उहदी रहमत मेरे रोम रोम च समा रही है। जिदा हुण फर्ज करो इत्थे दो मिनट वास्ते ही फील करना है, करूंगे कि नहीं फील, अखां बंद कर लैनी है दो मिनट वास्ते जदों तक कहांगे, क्योंकि असीं दस्सिया सी कि मीह दे विच या पानी दे विच तां तुसीं सदा ही नहांदे हो, अज थोड़ा रहमत दे विच नहा के जाना है असीं, क्योंकि याद होएगा तुहानू असी पिछे सत्संगा च कहा कि विसाखी ते पहुंचे हो तो ऐसी रहमत की बारिश नहाना है कि तुहाडियां जिंदगियां तुहाडा जीवन बदल जाएगा, और अज यही बदलना है असीं। अखां बंद करके फील करना थोड़ी देर वास्ते कि मालिक की रहमत मेरे ते वरस रही है, उहदे रहमत की बरसात हो रही है, मेरा रोम रोम रहमत नाल भर रहा है, मैं फील कर रहा हाँ मेरे रोम रोम च मालिक की रहमत समा रही है, मेरिया सारिया परेशानियां दूर हो गई, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मैं अपने मालिक की रहमत नाल भरपूर हो गया। फील करो इस रहमत नूं कि मेरे रोम रोम च उहदी रहमत है, क्योंकि उहदी रहमत तो ही मैं बनिया। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग, उहदे नूर तो मैं बनिया है, नूर यानी उहदी रहमत, और उहदी रहमत मेरे रोम रोम च अपना काम कर रही है। जिन्हें मैनू मां के गर्भ च बनाया जदों मैं कुछ भी नहीं सी, उदों उसने मैनू बनाया, तो हुण जे मेरे अंदर माड़ी मोटी कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मालिक की रहमत मैनू ठीक कर रही है, मैं हो गया ठीक, मालिक की रहमत ना मेरे सारे दुख दूर हो गए, मैं ये नूर नू ये मालिक की रहमत नू अपने अंदर फील कर रहा है, क्योंकि उहदी रहमत तो मैं बनिया, उहदे नूर तो मैं बनिया है, और मेरा रोम रोम उहदे नूर नाल भरपूर है। हो गई रहमत, आ गई रहमत, फील करो आ रही है, आ गई आ गई आ गई आ गई, फील करो दी रहमत नू अपने रोम रोम, क्योंकि मौलाना रूमी ने कहा है कि मुर्शद तुहानू नदी तक तो लैके जा सकता है, पर पानी तुहानू आप ही पीना पैना है। इहदा मतलब असीं रहमत तक ले जा सकते हैं, पर विश्वास शरदा का बर्तन तुहानू अपने सिद्धा करना पैना, फिर ही वह प्रेमत भरेगी तुहाडे च। बारिश हुंदी होवे, बाप बेटे नू पकड़ के बाहर भी लियाना चाहे, तो जे बेटा ही छतरी लैके आवे तो भिजे ही ना, तो फिर की बाप करेगा। इदां ही तुसीं भी ये याद रखो कि मुर्शिद सानू रहमत दे दरिया तक तो ले आंदा, पर पानी तो आप ही पीना पैंदा है, झुक के विश्वास नाल प्रेम दे नाल। सो फील करो कि मेते रहमत हो गई, फिर करांगे आ गई रहमत, आ गई, फील करो मेरा रोम रोम रहमत नाल भरपूर हो गया, मेरा रोम रोम साहस नाल भरपूर हो गया, मेरे सारे डर सारिया चिंतावां दूर, मैं भरपूर हो गया, भरपूर हो गया, भरपूर हो गया, ओ मालिक दी रहमत मेरे रोम रोम च समा रही है, समा रही है। फील करो तुहानू अपना अंदर इदां होएगा जिदा गुब्बारे अंदर हवा भरदे ना, इदां फील होएगा जिदा भर गया अंदर। इहले फिर कहांगे आ गई रहमत, आ गई आ गई आ गई, फील करो मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरिया झोलियां रहमत नाल
मेरिया चोलिया रहमत नाल, मेरिया चोलिया रहमत नाल, मेरा रोम रोम रहमत नाल, मेरा रोम रोम रहमत नाल, मेरा रोम रोम रहमत नाल, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। अखां खोलो जरा, फील करो इस चीज नूं, क्योंकि विश्वास रखो, यकीन रखो, ओदी रहमत तो सिवा कुछ है ही नहीं। अंदर भी वो है, जिदा कहिंदे अंदर तू ते बाहर तू, रोम रोम विच तू, कहे हुसैन फकीर साईं दा मैं नहीं बस, तू ही तो है। फिर डरना की है, चिंता की करनी है, फिर फिक्र की करनी है, की फिक्र करनी तूफाना दी, की फिक्र करनी हवावां दी, की फिक्र करनी परेशानियां दी, जे अंदर तू बाहर तू, हर जगह तू मेरे नाल है, तेरी ताकत मेरे नाल है, ते जे एडा शक्तिशाली परमात्मा मेरा मालिक मेरे नाल है, तो फिर मैनू कोई चिंता कोई डर है ही नहीं, क्योंकि हर मुश्किल का सामना करन नू मैं। अपने आप नू कमजोर ना समझो, शक्तिशाली समझो। जे कोई कहे ना मुश्किल, और हर मुश्किल का सामना करन नू मैं तैयार है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, ये समझ लेना जरा सारे। ताही तां जरा हुण गौर करना, एक आदमी जिहदा काम सी ना बगदाद दे अंदर दरिया, जिहदों सवारियां इधर उधर लैके जानियां, उधरों इधर लैके आनियां, तो कई बार बड़े तूफान आने, बड़िया बरसातां आनियां, जदों बारिश का महीना हुंदा सी, उहदा काम बेचारे का ठप्प पै जाना, क्योंकि उहदे नाल ही रोजी रोटी चलती सी। तो जे महीना महीना दो दो महीने बारिश होनी, तूफान आने, तो बेचारे ने कश्ती नहीं पानी दरिया च, तो उन्हें बड़ी परेशानी आती सी। एक दिन हजूर गौस के को परेशान होके गया, तो जाके हजूर नू कहन लगा कि हजूर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।